राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष जहां रिपीट का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की कमियां गिना रहा है। मगर इसी बीच राजस्थान में गहलोत वर्सेज पायलट का द्वंद्व अपने चरम पर है। देखो, आलाकमान से तो हमने पहले भी कहा था और राजस्थान की जनता पूछ रही है। अब तो हाईकोर्ट में पूछ लिया था, हाईकोर्ट में भी कहा था कि इस्तीफे दवा में दिए गए थे, स्वेच्छा से कोई इस्तीफे दिए नहीं गए थे। आपने दिया तो उस दिन के प्रकरण के बाद में कई विधायकों ने कहा था कि हमसे तो जबरदस्ती लिखा लिया या हमें पता नहीं था, ऐसा कुछ कहा था, आपके सामने कहा था, आपकी मीडिया में कुछ विधायकों ने कहा था। तो जो ये प्रकरण सामने आया है उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जब विधायकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे नहीं दिए थे और बिना किसी दबाव में अगर नहीं दिए थे इस्तीफे, तो किसके दबाव में दिए थे इस्तीफे, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों में इन्हें षड्यंत्र किया, हमारे को मानेश्वर जाने में षड्यंत्रकारी कह रहे थे, जिन लोगों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ, हम कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं गए थे, कांग्रेस आलाकमान से मिलने गए थे, तो हमें तो दोषी ठहरा दिया गया था। उसी समय इनांटो की कार्रवाई भी हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो अब जब आलाकमान खुद यहां बैठा था, जयपुर के अंदर बैठे थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी बैठे थे, ऑब्जर्वर खड़गे साहब बैठे हुए थे, उनके सामने जो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के आलाकमान को आंख दिखाने की बात की और आंख दिखाई गई, उनके बाद समांतर पैनल बैठक बुलाई गई और उसके बाद में आज तक कार्रवाई नहीं गई, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं। असेट्स हैं, आलाकमान ने बताया, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं असेट्स में हम सम्मान करते हैं सर। वो असेट्स अशोक गहलोत जी एक फिक्स डिपोजिट असेट है, अब सचिन पायलट वर्किंग कैपिटल है, तो उनको तो अभी आज चुनाव में बीच में लाना बहुत जरूरी है, उसी से तो कहना राज आएगा। कांग्रेस के विधायकों के साथ बीजेपी के विधायक भी पायलट के खिलाफ 25 सितंबर को हुए विवाद का जिक्र करने में पीछे नहीं रहे। बुधवार को विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा ने न केवल विधायकों के इस्तीफे का सवाल उठाया, बल्कि पायलट को भी पद से हटाए जाने के मामले पर कांग्रेस को घेरा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आप ही के सरकार के विधायकों के लिए बोलता हूं, बताता हूं कि हाई कोर्ट में कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफे दिए हैं, यानी बाकी 85 विधायक भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इन विधायकों ने बजट की पवित्रता और जनता के हित को खतरे में डाल दिया है। अब बजट पारित भी हो जाएगा तो जनता को हमेशा ये शंका बनी रहेगी कि उनके विधायकों ने भय से या प्रलोभन से या किस कारण से इस बजट को पारित करवाया। बताना चाहता हूं कि सरकार ये कहती है कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे, युवाओं का क्या ध्यान रखेंगे, इनके ही विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री बेचारा सचिन जी पायलट को उन्होंने उप मुख्यमंत्री से सीधा हटाया, अध्यक्ष से भी हटा दिया। 25 सितंबर 2022 की वो सियासी बगावत जो कि पायलट के सीएम बनाए जाने के लिए होने वाली बैठक के बाद उठी, अब उस पर सचिन पायलट भी बोलने में पीछे नहीं हट रहे। इसी साल सचिन पायलट ने पार्टी से अलग 5 सभाएं की, जहां उन्होंने न केवल केंद्र सरकार बल्कि अपने विरोधियों को भी जमकर निशाने पर रखा था। पेपर लीक पर पायलट के जादूगरी वाले सवाल के बाद अब नोटिस वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग ने उनके और गहलोत के बीच चल रही अदावत को हवा दे दी। वहीं विधायकों के बयान कांग्रेस आलाकमान के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। फरवरी महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। उम्मीद जताई जा रही कि इस अधिवेशन से राजस्थान के सियासी संघर्ष पर आलाकमान कोई बड़ा एक्शन जरूर ले सकता है, यानी कहा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वर्सेज कांग्रेस से कहीं ज्यादा गहलोत वर्सेज पायलट की जंग देखने को मिल सकती है।